हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है तो बच्चों, आज क्लास 12 दा पेपर सिगा मैथ दा, प्री बोर्ड दा। पेपर इजी सी, ठीक सिगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड सिगे। ठीक है, फिर जिदा दे पहले पेपर बच्चों आंदे रहे, जिदा दे प्री जेडे सैंपल पेपर सानू दिता डिपार्टमेंट ने, जिहड़ा साइट पर भी है। ठीक है, तो हुण बच्चों हो सकता किसी बच्चे का पेपर ठीक ना हुआ होवे, उन्हें घबराने की लोड़ नहीं है। थोड़े को हज तक भी 25 दिन पे, देखो थोड़े पेपर स्टार्ट है नैक्सट मंथ मार्च तो। ठीक है, तो थोड़े को 3-4 दिन इस मंथ है। ठीक है, तो नीयर अबाउट 15 दिन आप रख लो अगले मंथ के, तो 20 डेज है बच्चों। 20 डेज दे जे तुसी दिन रात मेहनत करो, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि असी मैं कई बार देखा बच्चे कहते जी सानू पेपर आता सी क्वेश्चन साड़ा निकलिया नहीं। इहदा मतलब यह है कि क्वेश्चन बच्चे ता ही आता सीगा जे उन्हूं टीचर ने कराया। उत्थे टीचर तो सक्सैसफुल है, पर बच्चे ने अपने एंड तो प्रैक्टिस नहीं की, तो उहदा पेपर च क्वेश्चन नहीं होना। ठीक है, क्लीयर। देखो क्वेश्चन आना बच्चों अलग चीज़ है, पर वह क्वेश्चन पेपर च निकलना भी चाहिए, निकलेगा तद ही बच्चों जे तुसी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। थोड़ा मैं एग्जाम्पल दिना, थोड़े चो बच्चों लगभग सारे बच्चों मैट्रिक्स मैथड का क्वेश्चन आता होना, पर आप कई बार देखिया कि मैट्रिक्स मैथड के क्वेश्चन बच्चे कुछ ना कुछ कित गलती कर देंगे, क्योंकि वह क्वेश्चन तद ही सही होएगा जे उस बच्चे के 9 को फैक्टर सही हो। जे बच्चों उन्हें 9 को फैक्टर चो थोड़े 8 को फैक्टर सही है, 1 भी को फैक्टर गलत हो गया, थोड़ा बच्चों एडजॉइन गलत हो जाना। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा आंसर भी गलत आना। ठीक है, तो ये तुसी किदां कर सकते हो ओवरकम, तुसी 5-6 क्वेश्चन करो लगातार बिना मतलब गलती किए। जे थोड़े बिना गलती किए क्वेश्चन थोड़े 5-6 क्वेश्चन हो जाते ना मैट्रिक्स मैथड के, ता ही बच्चों थोड़े को क्वेश्चन निकलना। इहदा मतलब यह होया कि थानू हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पैनी। क्वेश्चन आंदा इहदे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आने तो बाद वो पेपर च क्वेश्चन निकले भी तद ही बच्चों तुसी थोड़ा पेपर सही होना। ठीक है, तो सो इस करके ये प्री बोर्ड बच्चों है, इस करके है कि थोनों अपनिया जी है ना कमियाँ शोर्ट कमिंग थोड़ी लग जाए थोड़ा पता, तो बच्चों वो तुसी अपनी कमियाँ आने वाले 15-20 दिन बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें दूर कर सको। ठीक है जी, तो बच्चों होर मतलब 2 दिन बाद फ्रॉम 26, ठीक है, असी दोबारा ऑनलाइन क्लास शुरू करांगे यूट्यूब पर, हर रोज़ 1 घंटे दी, हरेक चैप्टर दे जिन्ने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूँगा कि वह थानू करवाए जाण। ठीक है जी, तो नाल बच्चों उन्हां क्वेश्चन दी थानू मैं अपने टैलीग्राम चैनल दे उपर PDF भी शेयर करदा करूँगा। ठीक है, तो मैं आस करदा कि तुसी अगे चंगी तरह मेहनत करोगे। ठीक है, तो साढ़े डिपार्टमेंट का, ठीक है, जिहड़ा एक मिशन है, मिशन 100%। ठीक है, क्लीयर जी, सारे बच्चों ने पास होना, तो मैं एक होर लाना 100%। क्या बोला भी सारे बच्चों ने नंबर भी लेने, क्या बोलो जी, 100%। ठीक है जी बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं 2 दिन बाद। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे। ठीक है, मेहनत करो, हुण थोड़ा परसों पेपर है मेरे ख्याल पंजाबी दा, बच्चो उन्हूं भी चंगी तरह मेहनत करो। ठीक है, ओके लगाओ, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो साइंस वाले होंगे ना, ठीक है, वो बच्चे पूरे साल पंजाबी नूं हाथ लाते नहीं, तो ये थोड़े को बच्चों दिन है डेढ़। ठीक है, पंजाबी का पेपर भी चंगी तरह दो, ओके क्लीयर। तो बच्चों एक गल याद रखो, पंजाबी और इंग्लिश के पेपर ना एक गल बड़ी मैटर करती, वो मैटर करती थोड़ी हैंडराइटिंग, सो अपनी हैंडराइटिंग बिल्कुल चंगी रखियो। ओके जी, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।